स्टूडेंट्स विद हेल्थ एंड सेंसरी एम्पेयरमेंट जैसे सेंसरी एम्पेयरमेंट नाम से ज़ाहिर है कि हमारी तमाम सेंसिस की जो प्रॉब्लम्स होंगी उसको हम एम्पेयरमेंट कह रहे हैं कि हमारी सेंसेस में इम्पेयरमेंट एम्पेयरमेंट सेंसेस का मतलब ये है कि जितनी आपकी देखने की सुनने की छूने की चखने की जो हमारी सेंसिस हैं जब उनके अंदर प्रॉब्लम आ जाती तो हम उसको कहते हैं कि सेंसरी एम्पेयरमेंट सो इट मीनस दैट इट इज़ नाट Uh, just defining one characteristic or one trait or one sense, but basically it is the combination of uh, problems in senses and senses that uh, if the person has a partial loss in hearing, partial loss in seeing, partial loss in other senses, that is called the sensory impairment. And uh, uh, basically, the characteristics of students with these impairments uh, they fall in the categories of uh, partial loss of hearing or, uh, or uh, seeing or significant degree of impairment in uh, hearing and in seeing. and uh, whatever the le level or degree of the problem is, but basically students have to just face these impairments. and uh, like other impairments, these impairments have degrees or levels or extent. that student must know about it and the teacher must know about it that uh, how can we handle a student with these impairments even if we know about the level or degree of the impairment then according to the degree or level or extent of the impairment uh, teacher can uh, make instructional plan and uh, also the psych psychologist and educationist they can make plan accordingly and parents can make plan accordingly so uh, sensory impairment is the common term इट इज़ एक्चुअली डिस्क्राइबिंग द्लाइंडनेस डेफनेस ब्लाइंडस विजुअल इम्पेयरमेंट हेयरिंग एम्पेयरमेंट एंड डेफ ब्लाइंडनेस सो सेंसरी इंपेयरमेंट की ये चार या पाँच ग्रुप्स हैं जिसको हमने आज जो है वो डिस्कस कर रहे हैं कि इसके अंदर जब प्रॉब्लम आ जाती है तो हमें फिर इंस्ट्रक्शन को उसके अकॉर्डिंग जो है वो डिज़ाइन करना चाहिए अब जैसे सेंसरी इंपेयरमेंट की बात करते हुए जब हम ब्लाइंडनेस की बात करते हैं तो ब्लाइंडस जो है वो पार्शल ब्लाइंडनेस है उसके अंदर आपकी जो है वो माइल्ड जो है ब्लाइंडनेस है मॉडरेट है स्वेयर है अब माइल्ड और मॉडरेट को तो हम जो एनक लगा के ग्लासेस के नंबर के हिसाब से उसको हम मैनेज करते हैं और उसका हमें इतना ज़्यादा इशू उस तरह से नहीं है कि हमें कुछ नज़र नहीं आ रहा लेकिन जब कम्प्लीट ब्लाइंडनेस की सूरत हाल आती है तो फिर हमें जो है उसके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शनल प्लान जो है वो इंट्रोड्यूस करना पड़ता है और ये वाले जो ब्लाइंड स्टूडेंट्स हैं ये आम बच्चों के साथ एक नॉर्मल स्कूल में एजुकेशन नहीं ले सकते इनके लिए स्पेशल स्कूल्स हैं और इनके लिए स्पेशल इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ जो हैं वो बनाई जाती हैं बाजुकात अगर एक ब्लाइंड स्टूडेंट जो है वो एक कोटे में उसको एडमिशन मिल जाता है आम स्कूल्स के अंदर या आम इंस्टीट्यूशनस में तो फिर उसके साथ एक असिस्टेंट जो है वो एडवाइस किया जाता है वो उसका कोई दोस्त भी हो सकता है और वो कोई उसका जो है वो रिलेटिव भी हो सकता है तो इस तरह से एक तजवीज़ तो ये है कि उसके साथ उसका असिस्टेंट बना के उसकी हेल्प की जाए दूसरे नंबर पर इंस्ट्रक्शन इंक्लूडिंग लेक्चर्स वीडियोज़ और वेबसाइट्स हैं ये उनके लिए हैं जिनको अगर माइल्ड और मॉडरेट जो है वो ब्लाइंडनेस है तो वो छोटे फॉन्ट के साथ उनको एजुकेशन देना मुमकिन नहीं है तो फिर उनको पिक्टोरियल जो एक एक्सप्रेशन है उसके साथ वेबसाइट्स के साथ इंटरेस्टिंग वे में उनको एजुकेशन जो है वो प्रोवाइड की जा सकती है फिर उसके बाद एक ब्रेल सिस्टम है जो ब्लाइंड पीपल के लिए है जिसमें उनको टच सिस्टम और सेंसेस दूसरी को यूज़ करके Uh, उसकी जो कन्फिग्रेशन है पैटर्नस की फ़िगर्स की और एजुकेशन का जितना भी मटेरियल है वो सिखाया जाता है एक स्टिक भी एक ब्लाइंड पीपल को दी जाती है जिससे वो अपना रास्ता जो है वो बाहर ढूंढ सकते हैं या चीज़ों को टच करके उनकी एग्जिस्टेंस जो है उसको फील कर सकते हैं फिर इसके अलावा रिकॉर्डेड टेक्स्ट बुक जो होती हैं वो भी वो सुन के अगर वो देख नहीं सकते तो सुन के जो है वो कॉम्प्रीहड कर सकते हैं तो ये सारी टेक्निक्स जो हैं ये सेंसरी एम्पेरमेंट में जब हम ब्लाइंडनेस को डील कर रहे होते हैं तो ये सारी हम टेक्निक्स जो है वहाँ पे यूज़ करके उस शॉर्टकमिंग को या उस डेफिशिएंसी को कवर कर सकते हैं